मैंने, पता नहीं कहाँ गया स्टैम्प ड्यूटी का कागज, मैंने तो इन्हीं में रखा था। मैंने तुझे बोला था ना कि एक जगह पे सारे कागज रखना, फिर एक जगह पे क्यों नहीं रखे? हाँ, मैं हमेशा सारे पेपर एक ही फाइल में रखती हूँ, मैंने कभी कहीं और नहीं रखा। तूने तो नहीं देखे? बड़ी माँ, मैं तो ये पेपर्स को हाथ भी नहीं लगाती हूँ। मैं इतने सारे लोग, किसी ने पेपर नहीं देखा। लो, अभी की दादी का फोन। हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ जी, आप अपनी सुनाइए, आप कैसी हैं? हाँ जी, यहाँ भी सब ठीक है। वो मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि मैंने घर में दशहरे की पूजा रखी है। अभी और प्रज्ञा का ये पहला त्योहार है, तो घर में छोटी सी एक पार्टी भी रखी है, आपको जरूर आना है। हाँ जी, जरूर आएंगे, बच्चों का पहला त्योहार है तो। अब यार प्रज्ञा ठीक है ना? बहुत अच्छे हैं जी, आप ही बताए, आपकी सेहत में पहले से सुधार हुआ है ना? हाँ जी, पहले से अच्छी है। अभी और प्रज्ञा को देखूंगी तो तबीयत में और अच्छा हो जाता है। सो तो है, चलो फोन रखती हूँ, बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करना है, आना जरूर। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी। वो दशहरे की पूजा रखी है उन्होंने, हम सबको बुलाया है और बाद में पार्टी भी है। बुलाया है सरला, जाना तो पड़ेगा ना, फिर भी लेके जाना पड़ेगा। दादी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्यों? तू क्यों नहीं जाएगी? अरे बेटी, इसे जाने की क्या जरूरत है वहां पे? वैसे भी हम सब लोग घर पे नहीं होंगे ना, ये घर में बिल्कुल अकेली होगी, जो मन में आएगा वो करेगी। ये भी तो हो सकता है कि जिसे मन करता है उससे मिलने चली जाए, ये तो फिर उसे घर ही बुला लेगी। नहीं, आपको अभी लगता है ना मेरा पूरब के साथ कोई रिश्ता है? आपको लगता है कि मैं उसे मिलने के बहाने ढूंढ रही हूँ? माँ, आप गलत सोच रहे हो, और यही प्रूव करने के लिए मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन माँ, जो कुछ भी होगा ना, वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। बाद में मुझे ये मत बोलना कि आलिया मुझे देखकर गुस्सा हो गई, चीजू मुझे देखकर दी के ऊपर नाराज हो गए। मैं तो सब कुछ दी के लिए कर रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि उन दोनों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो मेरी वजह से। लेकिन आप यही चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं, तो आपकी मर्जी। दीदी, आज के दशहरे की पार्टी देख के तो ना हमें तो लुधियाना के दशहरे की याद आने से रही। ओ, क्या है? अरे वाह दीदी, दीदी, दीदी जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? अरे आइए तो देखिए, देखिए। अच्छा दीदी, कितनी अच्छी रंगोली है ना इंदू? हाँ दीदी। ओए, मेनू तो पता ही नहीं सी। हाँ, तू इतनी अच्छी रंगोली बना सकती है? ओ नहीं दीदी, मैंने तो अपनी चोटी के अलावा कुछ और बनाना ही नहीं आता है। अच्छा अच्छा, तो फिर ये रंगोली मेरी प्यारी दीदी ने बनाई है। मुझे तो पेंसिल से कागज पे लकीर भी नहीं खींचने आती, तो ये रंगोली कैसे बनाऊंगी? हाँ, सच्ची नहीं आती? नहीं। अरे बंटी, बबली इधर आओ बेटा, तुम बताओ कि ये रंगोली किसने बनाई? तुम आपको क्यों बताए कि ये रंगोली प्रज्ञा चाची ने बनाई है? अच्छा, प्रज्ञा ने तो कमाल ही कर दिया, त्योहार की इससे अच्छी शुरुआत कैसे हो सकती है? सच में दीदी, सर्वगुण संपन्न है हमारी प्रज्ञा। जो आज तक इस घर में नहीं हुआ वो आज हो रहा है। अब देखना, मेरे इस घर में सब मंगल ही मंगल। दादी, मैं आलिया के लिए एक लड़का ढूंढ रहा था, मेरी वो तलाश अब खत्म हो गई। आलिया को पूरब से अच्छा लड़का नहीं मिला। आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? ये कब से पीने लगे? जब से मैंने तुम्हारी शक्ल देखी। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
जब आपकी कोई गलती नहीं है तो खुद को सजा देने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है इसके एक कश से आपका कितना खून जलता है? ये सिगरेट उतना खून नहीं जलाता जितना तुम जलाती। और इस सिगरेट मेरे हाथों में जब मन किया खुद से दूर कर दिया। आप क्यों मेरी वजह से खुद को इतना? तुम्हारी बातें भी मेरा खून जलाती। अब चुप बैठो वरना बटन दबाना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चुप हो जाऊंगी। आप बस इतना बता दीजिए कि डिजाइनर ने जो कपड़े भेजे उनमें से कौन से वाले आप पहनने वाले। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं नीचे नहीं जाना। क्यों? भगवान से झगड़ा इसलिए? लेकिन मुझे लगता था कि जितनी नफरत आप भगवान से करते उससे कहीं ज्यादा प्यार अपने परिवार से करते। नीचे सब बहुत खुश है क्योंकि ये नहीं जानते कि आप यहाँ उनकी खुशियों पे धुआं उड़ा रहे। तुम चुप बैठोगी? शायद यही ठीक है क्योंकि आपसे बात करने से कोई फायदा नहीं। ना तो आप किसी की सुनते हैं ना किसी की बात समझते। आपके लिए भगवान से अपनी लड़ाई इतनी बड़ी होगी कि उसकी वजह से अगर किसी का दिल टूट जाए तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, सारे दिल तुमने तोड़े। तुम्हारी वजह से इस घर में दशहरा उस तरीके से नहीं मनाया जाएगा जिस तरीके से मनाया जाता है। आपको आदत पड़ गई है हर चीज का इल्जाम मुझ पर डालने की। इस घर में आए हुए मुझे कुछ महीने हुए, सबसे मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही कनेक्शन। तो ही जब से तुम इस घर में आए हो सारे प्रॉब्लम शुरू। तुम जाना चाहते हो क्या हुआ? कुछ भी बोला, तेरे घर की दशहरे पार्टी एकदम अलग होती। इट्स सो मच फन। चल मैं तुझे अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। सोनल, तनु, तनु दिस इज सोनल एंड ये उनके हस्बैंड है महेश। वहाँ पर शॉपिंग करने का कितना मजा आता है। आलिया, मुझे तुमसे बात करनी है। Don't waste my time. रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं समझ में नहीं आता कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। I love you. तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? You know, you're such a useless guy. और अगर मेरे कॉलेज मेट नहीं होते तो यहाँ पर इनवाइट भी नहीं करती मैं, इसलिए मेरा हार्ट छोड़ो विकी। Just leave my hand. कोई बीच में नहीं आएगा। क्या कर रहे हो तुम? कोई बीच में नहीं आएगा। कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हो सकती। बोला ना कोई बीच में नहीं आएगा। कि मेरा हार्ट। I will kill you. तेरी इतनी हिम्मत, तूने आलिया को हाथ लगाया, अभी की बहन को हाथ लगाया तूने? जान से मार दूंगा मैं तुझे। गार्ड्स, गार्ड्स, उठा के बाहर फेंक दो से यहां से। आज के बाद दिखाई मत दियो यहां पे, समझा? निकालो इसे बाहर। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। तेरी वजह से आलिया, तनु, तुम पूरब के हाथ में दवाई लगाओ। दादी, मैं आलिया के लिए एक लड़का ढूंढ रहा था ना, मेरी वो तलाश अब खत्म हो गई। आलिया को पूरब से अच्छा लड़का नहीं मिला। अगर आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इन दोनों की शादी करवा देता। बेटा, शुभ काम में देर नहीं करते। आलिया, ये तुम्हारा तुम्हारे दोस्तों के साथ आखिरी दशहरा, क्योंकि इसके बाद तुम पूरब के साथ दशहरा मनाओ उसकी वाइफ बनकर। मैंने आलिया से वादा किया था कि मैं उसकी जिंदगी में पूरब को लाकर रहूंगा, लेकिन वो मैं पूरा नहीं कर पाया क्योंकि तुमने वो राज मुझसे छुपाया। अब बोलो कैसे आऊं मैं नीचे, कैसे देखूं अपनी बहन को रोते हुए? उसे भी तो ये दिन अच्छी तरीके से याद होगा। पता है एक इंसान सब कुछ देख सकता है लेकिन जिससे वो प्यार करता है उसे रोते हुए नहीं देख सकता। मैं अपनी बहन को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया तुम्हारी वजह से। मैं मानती हूँ कि आलिया को उसकी खुशी नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे बाकी खुशियां भी नहीं मिलनी चाहिए।
दादी कहती हैं कि खुशी पाने की चीज होती है, हासिल करने की नहीं। जो हमें बीते हुए कल में नहीं मिला उसके बारे में सोचकर हमें आने वाला कल खराब नहीं करना चाहिए। जो आज हमारे पास है उसकी खुशी होनी चाहिए हमें, कि जिंदगी की असली खुशी इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप बीते हुए दिनों की वजह से अपनों को तकलीफ देना चाहते हैं या इस दिन को उनकी खुशी की नई वजह बनाना चाहते हैं। ताली, दिन रात नौकरों की तरह काम करती रहे, यही औकात रह गई तेरी इस घर। सर जी, किस चीज की खुशबू आ रही है? ओ वाजी वाज, ते खीर बनी है, मजा आ गया जी। ले मैं तुझे खिला दे तू। अब मम्मी जी, वो दादी ने मंगवाया है। भाई कमाल हो गया, सालों के बाद इतनी टेस्टी खीर खाई है, मजा आ गया। पुत्र जी एक मिनट ठहर दू। तू ये ले, तूने बहुत बढ़िया काम किया आज, तो मेनू दिल खुश करता। क्या ले ले, ये कोई होटल है जो आप इसको टिप दे रहे हैं? अरे गलती से आज इसकी ये खीर अच्छी बन गई होगी, वरना इसे क्या पता कि खीर में चावल और दूध का क्या हिसाब होता है। अरे पिछली बार जब इसने बबली के बर्थडे पे खीर बनाई थी ना, सारी खीर कच्ची रह गई थी, सारे मेहमानों ने कच्ची खीर खाई थी। ओहो कोई गल नहीं, आज तो अच्छी बनाई है ना, त्योहार है, कोई बात नहीं, इसे दे देने। त्योहार है तो पहले सारे घर के काम निपटाए, तब सोचूंगी मैं इसके बारे में। मम्मी मम्मी, वो प्रज्ञा चाची वाली खीर दो ना, बहुत टेस्टी बनी है। मैं अभी देखकर आती हूँ। अरे मम्मी, देख लिया, हो गई तसल्ली आपको? हाँ हाँ, सुन लिया और समझ भी लिया, कोई बात नहीं, ले आओ मेनू दे, मैं उन प्रज्ञा को देके आता हूँ। क्या बात है, ये पैसे आपके पॉकेट में बड़े कूद रहे? जिंदगी भर मैंने आपको इतनी खीर बना के खिलाई है, कभी आपने मुझे एक भी पैसा दिया? आप उनको पैसे देने जा रहे हैं? कद खिलाई है खीर? रुक क्यों गई सरला, चलना। बीजी से कह दीजिए कि किसी से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, और अभी और आलिया के सामने तो बिल्कुल भी ना। आइए आइए जी, वेलकम। दशहरी की बहुत बहुत मुबारक जी। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? बेटी के घर खाली हाथ थोड़ी ना आते, बस थोड़ा सा। रॉबिन। नमस्ते दादी। नमस्ते बेटा। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप आइए ना, हम अभी आते हैं, आ जाओ। बुलबुल बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने उसी लड़के से प्यार किया जिससे मेरी आलिया शादी करने वाली थी। मेरी पोती टूट गई थी जब पूर्व से छोड़कर चला गया। तुम जानती हो ना दोनों परिवारों में रिश्ता क्या है? तेरा सच जानने के बाद देखा तुमने तुम्हारी माँ का क्या हाल हुआ था? और कुछ नहीं, तुम अपनी माँ के बारे में ही सोच लिया। दादी प्लीज ऐसा मत सोचिए। दादी अगर मुझे पता होता ना पूरब का और आलिया का रिश्ता ऑलरेडी तय हो चुका है, तो मैं उसे कभी नहीं मिलती। मुझसे सब कुछ अनजाने में हो गया दादी। हर इंसान अनजाने में ही गलती करता है, पर पता है अच्छा काम इंसान सोच समझ के और जानबूझ कर करता है। जो तुमने किया है, अगर तू प्रज्ञा के सच के बारे में ना बताती तो पता है मैं भी अभी की तरह
प्रज्ञा को गलत ही समझती ना। तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा, तेरी वजह से प्रज्ञा और अभि फिर से एक हो गए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। नहीं दादी, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आपको, आपने मेरी दी को सही समझा। आलिया मैम, दादी ने आपको नीचे बुलाया। जाकर दादी को कह दो कि मुझे नीचे नहीं आना, और आप भी यहां से चले जाइए। रामू काका, बार बार आके मुझे परेशान मत कीजिए, प्लीज कह रहा हूं। तनु दादी भी मुझे बार बार नीचे बुला रही है और मुझे नीचे नहीं जाना। नीचे दशहरा की पार्टी हो रही है, एंड यू नो नीचे जाती हूँ तो मुझे वो दशहरा याद आ जाता है जब भाई ने मेरा और पूरब का रिश्ता तय किया था। कितनी खुश थी मैं तनु, और आज वो खुश है जिसकी वजह से मैं और मेरा पूरब एक दूसरे से मिला। You're right. उसे कोई हक नहीं है खुश रहने का। तो उसने मेरे साथ पुणे में क्या किया? तीनों दादियों को होटल बुला लिया ताकि वो मुझे और अभी को साथ में देख। उसकी वजह से मुझे वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, उसकी वजह से मुझे रैंप में उसके पीछे चलना पड़ा। She took my place, Alia. She took my place. हर हाल में मुझे उससे बदला लेना। तनु, बदला तो मुझे भी लेना है, लेकिन क्या करूं, जब भी कुछ उस बहन जी को करती हूँ या फिर उसके परिवार वालों को, सब उल्टा पड़ जाता है। इस बार ऐसा नहीं, आज दशहरा है, आज के दिन बुराई को जला के खत्म कर दिया जाता है और चश्मिश के साथ दिया जाता है। अरे तूने अभी तक दिए लगाए नहीं, वहां मेहमान भी आने शुरू हो गए, कितना टाइम लगेगा और तुझे? इस स्पीड से ना तो सारी रात लग जाएगी, फिर तू मेहमानों के लिए नहीं सूरज के लिए लगाना ये सारे दिए। अरे जब मैं इस घर में आई थी मैं अपने लिए ही सारे घर में दिए लगा लेती थी, और एक तू है, देख ऐसे लगाते हैं दिए। तेरे तो कपड़ों में आग लग गई। अब सवाल जवाब ही करते नहीं गई, या मुझे बचाएंगी भी? हाँ हाँ हाँ, बचा रहा हूँ बचा रहा हूँ। राज कंबल ला, कंबल कंबल, पानी पानी कंबल। अरे और भी चाहिए ना, करिए कुछ। वो ला रहा है ना। ये क्या किया तूने? मम्मी जी, आप ही ने मुझे बोला था ना कि पानी डालो, तो मैंने आपके ऊपर पानी डाल दिया। अब आपकी कहे अनुसार किया, तभी आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। अरे बेवकूफ, मैंने पानी अपने दुपट्टे में डालने के लिए कहा था, तूने मेरे ऊपर डाल दिया। चल कोई बात नहीं, कंबल आ गया ना, अब ये आग बुझाने के काम नहीं आ रहा तो तेरे को पहुंचने के काम आ जाएगा। आप तो बस चुप ही रहिए। इडियट देख के नहीं चल सकते क्या? रचना, रचना तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? ज्यादा नाटक मत करो, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते थे। खैर मुझे तो बहुत ही पहले मार दिया, पर अब मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मारना चाहते हो, ताकि जो शर्मिंदगी तुम्हें हमारी वजह से होती है वो सब हमेशा के लिए मिट जाए। रचना ये कैसी बातें कर रही, मैं तुम्हें सच में अपनाना चाहता हूँ, भरोसा करो, मुझे नहीं पता था कि हाँ तुम। भरोसा ही तो किया था मैंने तुम पे, पर क्या मिला मुझे? आकाश तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है, इसी वजह से मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हुई, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मुझे जॉब नहीं मिली, पर तुम्हें इन सब से क्या फर्क पड़ता है? रचना तुम्हें इस कंडीशन में ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्लीज हाथ मत लगाना। रचना रचना अपनी आंखें खोलो, रचना रचना ओपन योर आईज। पूरब आकाश क्या हुआ इसे? आई डोंट नो, आई जस्ट होप शी इज फाइन। गाड़ी में ले चलते। हाँ चलो। रचना पूरब मुझे इसे घर लेके जाना होगा, तब तक प्लीज बी विद मी। आकाश तुम इसको इसके घर क्यों नहीं लेके जाते?
नॉट पॉसिबल। इसके घर में वैसे ही मेरी इमेज बहुत खराब है, अगर इसको इस कंडीशन में लेके गया तो वो और गलत समझेंगे। किसी डॉक्टर के पास भी लेके नहीं जा सकता, वो हजार सवाल करेगा। सेफर साइड से अपने घर ले जाना होगा। प्लीज प्लीज आई नीड अ हेल्प। आकाश नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम तो जानते हो मैं वहां जाऊंगा तो सब लोग, जो कुछ भी हो उसके बाद अगर मैं तुम्हारे घर चलूं वहां सब लोग होंगे और क्या बोलेंगे वो। आई हैव एन आइडिया, बिलीव मी कोई नहीं देखेगा। आकाश पीछे के रास्ते से चलेंगे। हैव फेथ ब्रो, प्लीज। ओके थैंक यू सो मच यार। कम नहीं, ये मेरी मोटी खड़ूस सास है कहाँ, मुझे ढूंढ रही होगी। तो दशहरे पे ना रावण को फूकते अगर मैं मिल गई ना तो इसने मुझे भी फूकना ही है। कहाँ ढूंढो इसे। मिताली इतना अच्छे से भाग सकती ना, चल ले यहाँ से। पता नहीं मम्मी जी मुझसे बच के निकल रही थी ना तू नहीं तो मैं जानती हूँ तूने जानबूझ के मेरा दुपट्टा उस दिए में लगाया ताकि इस दशहरे में मेरा भी दाह संस्कार हो जाए। कुछ ऐसा होता था क्या था तूने? कुछ भी तो नहीं, ऐसे कैसे जल जाती आप? मम्मी जी वैसे भी दशहरे पर तो बुराई का अंत होता है ना, बुराई जलती है रावण के रूप में। आप तो इतनी अच्छी सास है मेरी, आप कैसे जल जाती? चुप कर तू, तेरी वजह से मेरा इतना कीमती दुपट्टा जल गया, तुझे पता है? उसके सारे पैसे ना मैं तुझी से लूंगी। मुझसे पैसे लेंगी? मेरे पास पैसे होते ही कहाँ हैं? वो जो पैसे मैं तुझे खर्चे के लिए देती हूँ ना उसमें से काटूंगी मैं तेरे सारे पैसे, देखना तू। खर्चा? आप कौन से खर्चे के पैसे देती है? तू क्या मुझे कंजूस बोलना चाह रही है? अरे कंगलों के घर से तो तू आई है और मुझे सुना रही है। शुक्र मनाओ कि तुझे यहाँ पे खाने पीने और रहने की जगह मिल गई, वरना तेरे जो लक्षण है ना उसे देखकर तो तेरे खर्चे के लिए मुझे तेरे बाप से पैसे मांगने चाहिए। आप हर बात में मेरे बाप, मेरे पापा को क्यों इस तरह बीच में लेकर आती? अरे तो किसको लाऊं? उन्होंने अपनी मुसीबत मेरे सर पर डाल दी। अब कान खोल कर मेरी बात सुन ले, दिवाली तक मुझे नजर मत आना, समझी? नहीं देखूंगी, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। अब तो खुश तू पहले जा तो फिर हो जाऊंगी मैं खुश। छोड़ो ना वेद, तुम अपना मूड क्यों खराब करती हो? जानती तो हो उनका नेचर। उनका नेचर तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम राज ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने क्या किया? तुमने मुझे पापा के घर क्यों नहीं जाने दिया दशहरे पर? मैं वहां चली जाती ना तो इस तरह बेइज्जती ना होती मेरी। यहाँ घर में नौकरों की तरह काम करो तब भी इनकी इतनी सुननी पड़ती मुझे। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे इस चश्मिश के साथ देख लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो गया आपको? पहले आपको नीचे नहीं आना था, अब आए हैं तो ऐसे भाग रहे जैसे मेले में खुश होकर बच्चे भागते हैं। अरे सुनिए, आज के दिन बुरे से भागते नहीं, उसे हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो शुरुआत तुमसे करते हैं। रावण की बहन सुरूपनखा बनाकर दोनों को साथ में खड़ा करके एक साथ जला देते हैं। ये अच्छी जोड़ी लग रही है। त्योहार तो है दशहरे का, पर लग रहे हैं राधा कृष्ण की तरह, इसीलिए तो मैंने दोनों की शादी कर दी। अगर ये राधा है तो ये कृष्ण किसी दिन अपनी बंसी बजाना भूल जाएगा। इससे अच्छी तो मेरी वो वाली राधा है। राधा? ये किस राधा को बुला रहा है? राधा, राधा। अब मेरे सारे गेस्ट का खास ख्याल रखना। चलो अब सब लोग आ गए हैं ना, पूजा शुरू करते हैं। ओ नहीं दीदी, पूजा बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी मस्ती हो जाए। अभी 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 मेरा हाथ पकड़। सुनो 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 सब यहाँ आए। देवी और सज्जनों, आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये हमारे अभी और प्रज्ञा का शादी के बाद पहला त्योहार है जिसे मैं कुछ अलग तरह से मनाना चाहती हूँ। इसके पहले ये राम और सीता बन के पूजा शुरू करे, ये लोग राधा कृष्ण बन के हमारे सामने रास रचाएंगे, गरबे में डांडिया खेलना होगा। नहीं नहीं दादी, मुझे डांडिया खेलना नहीं आता, मैंने बचपन में भी कभी नहीं खेला। अगर चश्मिश को डांडिया खेलना नहीं आता
तो ये अच्छा मौका है इससे पुतला लेने का। अभी है ना तेरे साथ। इससे पहले किसी राजा के सेना में सिपाही थी? नहीं, सेनापति थी। डांडिया से अच्छा तलवार चलाना आता मुझे। अगर तुम्हें तलवार चलाना आता तो मुझे चाकू चलाना। चाकू? ना चाकू, अब ब्रूस ली से ट्रेनिंग लिया मैंने। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता। तुमने मुझे जानबूझ के मारा? मैंने नहीं मारा, वो तो उसने छोड़े। आपको लगी तो नहीं? पास आने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या डांट रहे हैं? उसने आवाज दी थी आपको। यू जस्ट शट अप। इसी स्टिक से इतना मारोगे ना कि आवाज नहीं निकलेगी। ये लो। तुम्हें लगी तो नहीं? ना। तुम चलो मेरे साथ। ओके। हेलो, आओ भैया, ये बर्फ लेके आना। आओ तो बैठो, अभी अभी प्लीज बैठो। ओ दर्द हो रहा है? चोट तुम्हें लगती है? दर्द मुझे यहाँ होता है। तुम उस चश्मिश का देखते हो तुम्हें? तरु, I'm fine। तुम जाओ यहाँ से, वरना कोई तुम्हें फिर से देखेगा जैसे उस चश्मिश के भाई ने देखा था। देख लेगा तुम, देख लेगा। कुछ गलत थोड़ी कर रही हो, दवाई तो लगा रही हूँ मैं तुम्हें। ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। चोट लगी है, गोली नहीं। मगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना तो वाकई गोलियां चल जाएंगी। ये तन्नु अभी के साथ क्या कर रही है? बीवी नहीं हो तुम्हारी, पर उससे ज्यादा अच्छी तरीके से तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। रॉकस्टार हो तुम मेरे। चोट तुम्हें लगेगी तो दर्द तो मुझे होगा ही ना। तन्नु तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। तन्नु वो डांडिया खेलते खेलते अभी को चोट लग गई। प्रज्ञा बिजी थी गेस्ट के साथ तो मैंने सोचा मैं ही लगा देती। अब मैं समझी कि तनु हर दूसरे दिन यहाँ क्यों आती है। ये हमारे अग्नि पे डोरे डालना चाहती है। अरे इसकी टूर तो मैं काटूंगी। मैं जानती हूँ अभी कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मनाना कैसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चलिया 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 रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी छलिया। चलिया चलिया ओ चलिया हाथ ना आऊं मैं हूँ ऐसी छलिया।
एक सेकंड। थैंक गॉड घर पे कोई नहीं है, सब बाहर है, पर रचना को आना बहुत मुश्किल हो जाता। आकाश इसे इसे जल्दी से तुम्हारे रूम में ले जाते और फिर मैं भी यहाँ से चले जाऊँगा। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम सही कह रहे हो पूरा, इसे रूम में ले जाना ठीक रहेगा। तुमने डॉक्टर को फोन किया? हाँ, पर प्रॉब्लम यह है कि आज दशहरा है, सारे क्लिनिक बंद है। आज दशहरा है पूरा? आई जस्ट होप कि रचना ठीक हो। इसे होश में लाने की कोशिश करता हूँ। आकाश बेटा अंदर क्या कर रहा है तू? अरे सारे गेस्ट आ गए, दरवाजा तो खोल। अगर मुंह में रचना को यहाँ देख लिया तो? आकाश वो छोड़ो, अगर दाई जी ने मुझे यहाँ देख लिया तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज जस्ट डू समथिंग। अरे क्या कर रहा है, कोई जवाब क्यों नहीं देता है? क्या कर रहा है तू अंदर? आकाश आया मॉम, आया। जस्ट बी हियर। मॉम को भेज के आना। पूरा फंस गया, मुझे आज ही के दिन यहाँ आना था क्या? हाँ मॉम। क्या कर रहा था? मैं ये हाँ वॉशरूम में था ना, देखो। ये वॉशरूम तो नीचे भी है ना? हाँ नीचे है, नीचे वाला थोड़ा क्लीन नहीं था माँ। और एंड मोमेंट मुझे याद आया कि भाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेल सेंड करना है। अब मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए ना। अरे बेटा पर आज तो छुट्टी है, छुट्टी के दिन कौन काम करता है? अरे मैं करता हूँ ना माँ। अब कितनी बातें करती हो, कितना सोचती हो। चलो चलो साथ चलते हैं, गेस्ट वेट कर रहे हैं, चलो आओ। कोई भी नहीं, अब इससे पहले कि कोई मुझे देखते मुझे मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा। खाना लो ना, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख हो भी कैसे सकती? पहले मेरा प्यार खा गई, उसके बाद मेरी जिंदगी। बीजी आप बुलबुल से कह दो कि ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं, और अभी और आलिया के सामने तो बिल्कुल भी ना पड़े। एक्चुअली वेट, खाना मैं तुम्हें सर्व करूंगी, ये लो। ये मेरे पूरब से प्यार करने की हिम्मत के लिए। आओ ये लो, ये भी लो,
उससे मेरी शादी तोड़ने के लिए। आगे आओ, मेरे पूरब को शादी में से भगाने के लिए। आओ आओ आगे आओ, और भी बहुत। ये भी लो, शर्मा क्यों रही हो? ये तो खास तुम्हारी बेशर्मी के लिए। मीठा खाना तो बनता है, तुमने मेरी जिंदगी में जो जहर घोला है ना, ये उसके लिए। आराम से खाओ इसे। मैंने कहा खाओ इसे। इस चम्मच से नहीं, जैसे तुम्हारी औकात है ना वैसे खाओ। अरे एक मिनट, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? इतना ब्लैंड खाना मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? तुम्हें तो हर चीज में स्पाइस की आदत है ना, तो फिर ये लो थोड़ा सा स्पाइस। खाओ इस खाने को बुलबुल। तुम यहां? ओ या, तुम तो यहां पर अपनी बुलबुल की हेल्प करने आए होंगे। नहीं आंट, आज मैं इसकी नहीं, तुम्हारी हेल्प करने आया, तुम्हारे पागलपन का इलाज करने आया। तुम्हारी ईगो, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारा ये एटीट्यूड, अल्ले अभी भी टाइम है, संभल जाओ, नहीं तो कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। अरे प्यार तो क्या, तुम लोगों के अपने पन के लिए भी तरसोगे। तुम तो इस बेचारी को उस गलती के लिए सजा दे रही हो, उस गलती के लिए ह्यूमिलेट कर रही हो जो उसने किया ही नहीं। आलिया, मैं तुमसे अलग हुआ था, उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे साथ रिश्ता मैंने तोड़ा था इसने नहीं, शादी के मंडप से मैं भागा था, इसने मुझे भागने पर मजबूर नहीं किया था। ये बेचारी तो जानती भी नहीं थी कि तुम मेरी लाइफ में, तो अगर किसी की गलती है तो मेरी है, बुलबुल की नहीं। सो स्टॉप ब्लेमिंग हर नाउ। अरे क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है तुम्हें? तो दो ना, दो मुझे सजा, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं खुद करता हूं, मैं खुद ये खाना खाता हूं। वेट अ सेकंड, तुम तो मुझसे प्यार करती हो है ना, तो ये खाना तुम भी मेरे साथ खाओ। तो क्या है ना अल्लाह, खाना शेयर करने से ना प्यार बढ़ता है, तो कम ऑन, यू हैव टू ईट विद मी, कम ऑन, कम ऑन, हैव इट, स्टॉप इट पूरा। क्या हुआ, नहीं खा पाई ना? अल्लाह, अगर यही खाना मैं बुलबुल को देता ना तो वो खुशी खुशी उसे खा लेती, यही फर्क है तुम्हारे में और बुलबुल। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती, तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो, तुम किसी से प्यार करना डिजर्व ही नहीं करती। और आई एम सॉरी डूसे, बहुत जल्दी तुम अपने आप से नफरत भी करोगी। मैंने सब कुछ देखा, आलिया ने जो कुछ भी तेरे साथ किया, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ये है मेरा बेटा आकाश, बड़ा मेहनती है जी। हाँ हाँ पता है, हम लोग मिल चुके हैं। तो मिल चुके हैं, वो तो मैं आपकी बेटी से मिलाना चाह रही थी। हेलो, अभी का सारा कारोबार यही तो संभालता है। बेटा आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आंटी मुझे ना ज्यादा बात करने में मजा नहीं आता, लेकिन आई लव डांसिंग। आकाश, यू वांट टू डांस विद मी? हाँ, बड़ा अच्छा डांस करता है ये, जाओ। ये मैं कहाँ गई? तो आकाश की फोटो है, मैं आकाश के रूम में कैसे आई?
रचना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? क्या दिखाने लाए हो तुम मुझे यहाँ? ये कि तुम अपनी लाइफ में कितना खुश हो, कितना एंजॉय कर रहे हो, ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पीछे कितनी लड़कियां घूमती है? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम वहाँ बेहोश हो गई। बेहोश नहीं, होश में आई हूँ मैं। क्या कह रहे थे तुम मुझे वहाँ? कि तुम मुझे अपनाना चाहते हो? इससे भी तुमने वही कहा होगा ना जो मुझे कहा था? ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक इन लोगों की बात है, इनसे मैं अभी मिला हूँ, मॉम ने मिलवाया मुझे। अब तो मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं करूँगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली फंक्शन में आने की? या मुझसे नहीं, अपने बेटे से पूछे जो मुझसे बिना पूछे यहाँ मुझे लेकर आया। जा रही हूँ। और हाँ, एक और बात, समझा दीजिए अपने बेटे को कि अगली बार से मेरे पीछे ना आए, वरना मैं यहाँ बता कर आऊंगी और वो करूंगी जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पता है मुझे तुझे कौन सी बात परेशान कर रही है। तू यही सोच रहा है ना कि ये काम हर साल पूर्व किया करता था। किसी एक के चले जाने से दुनिया नहीं रुक जाती। मैं ना सब तेरे साथ। जिसने तेरी दोस्ती की कदर नहीं की उसके बारे में क्यों सोच रहा है तू? वो तेरी दोस्ती के ही नहीं, तेरी यादों की भी लाइक नहीं। भूल जा उसे। ये चश्मिश भी ना कभी कोई काम ठीक से करने नहीं देती, इसकी वजह से मेरा निशाना चूक गया।